सुरों की मलिका गीत संगीत की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाली गायिका बुलबुल हिंद लता मंगेशकर ने कई दहाइयों तक मौसीकी की दुनिया पर राज किया। लता की शोहरत और आवाज के सहर से मुतासर होकर न सिर्फ कुछ वालदेन ने बच्चों के नामों के साथ लता का इजाफा कर दिया बल्कि चंद फनकारों ने भी अपने नाम के साथ लता लगा लिया। लता जी को कुदरत ने आवाज की दौलत से नवाजा, यही वजह है कि बड़े सगीर पाक हिंद में न तो लता मंगेशकर से पहले कोई इतनी बड़ी गायिका नजर आती है और न ही उनके बाद। उन्होंने हर तरह के गीत गाए, कई गुलकारों ने उनकी पैरवी की, कई नस्लें उनके मद्दाह हैं। लता 28 सितंबर 1929 को भारत रियासत मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में पैदा हुई। उनके वालिद दीनानाथ मंगेशकर शो बिजनेस से मुंसलिक थे और गुलकारी और अदाकारी के शोबे में अपनी पहचान रखते थे। यही वजह थी कि लता जी कम उम्र ही से मौसीकी की तरफ माइल थी। नामवर मौसीकार मास्टर गुलाम हैदर ने उन्हें फिल्मों में मुतारिफ करवाया। ये वही मास्टर गुलाम हैदर है जिन्होंने लता से कबल मलके तरन्नुम नूरजहां को मौसीकी की दुनिया में मुतारिफ करवाया था। मास्टर गुलाम हैदर की पजीराई के बाद वो मौसीकी के आसमान को चूने लगी। लता जी को उनकी मौसीकी के शोबे में गैर मामूली खिदमत के सिले में भारत का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड भारत रत्न भी मिल चुका है। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण और पद्मावी भूषण अवार्ड भी दिए जा चुके हैं। लता जी ने पहला फिल्मी गाना सिर्फ 13 बरस की उम्र में एक मराठी फिल्म के लिए गाया था। उन्होंने बॉलीवुड के शोहरत याफ्ता गुलकार मोहम्मद रफी, मुकेश मनाडे, किशोर कुमार, SP बाला, शबीर कुमार, तलत महमूद, मोहम्मद अजीज, अभिजीत कुमार सानो, उदित नारायण और सोनू निगम के साथ सैकड़ों फिल्मी और गैर फिल्मी गीत गाए। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के साथ भी आवाज का जादू जगाया। वो मलके तरन्नुम नूरजहां को अपना आइडियल मानती थी और कई बरस तक उन्हें फॉलो करती रही। 1945 के बाद लता जी ने अपनी शानदार गायकी की बदौलत अलग पहचान बनाई। वो आज भी नूरजहां को बहुत याद करती थी। बड़े सगीर के मुमताज मौसीकारों ने लता जी के लिए समातों में जादू जगाने वाले हजारों गीत तख्लीक किए। उनमें मौसीकार आजम कहलाने वाले नौशाद, SD बर्मन, शंकर जय किशन, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, राजेश रोशन, RD बर्मन, बपी लहरी, खयाम, अनु मलिक, राम लक्ष्मण, नदीम शेरवान और AR रहमान समेत कई मौसीकारों ने लता जी के दिल को छूने वाली आवाज को इस्तेमाल किया। और पी नैयर वो वाहिद मौसीकार थे जिन्होंने लता जी से कोई गाना नहीं गवाया। राज कपूर और यशराज चोपड़ा, ये दोनों अजीम डायरेक्टर्स अपनी फिल्मों में सफे अव्वल की हीरोइन को कास्ट करते थे, मगर दोनों की हर दूसरी फिल्म में लता मंगेशकर ही उनकी पहली चॉइस हुआ करती थी। अपने तवील कैरियर में लता जी ने 4 मरतबा फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किए। इसकी वजह यह है कि उन्होंने 1971 में फिल्म फेयर के इंतजामिया से कहा था कि उन्हें अब अवार्ड के लिए नामजद न किया जाए। उन्होंने 1970, 1966, 1963, 1959 में फिल्म फेयर अवार्ड जीते। लता मंगेशकर को ये एजाज हासिल है कि उनकी आवाज पर बॉलीवुड की तकरीबन तमाम फिल्मी हीरोइन ने होंठ हिलाए। मधुबाला, वहीदा रहमान, मीना कुमारी, माला सिन्हा, नरगस, माधुरी दीक्षित, सरी देवी, पद्मनी कोल्हापुरी, जिया पराधा, परवीन बॉबी, जीनत अमान, गरज, हर नई और पुरानी हीरोइन पर उनकी आवाज जचती थी। उनकी बहन आशा भोसले ने गायकी की दुनिया में अहम मकाम हासिल किया। बॉलीवुड में एक दौर ऐसा भी गुजरा है जब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर इन दोनों बहनों की हुकुमरानी हुआ करती थी। 1974 से 1991 तक सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करवाने पर उनका नाम गेंस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जा चुका है। 1942 में अपने वालिद दीनानाथ की वफात के बाद लता जी ने कुछ वर्षों तक हिंदी और मराठी फिल्मों में भी काम किया। उनकी पहली हिंदी फिल्म आपकी सेवा थी, मगर दीगर अहम फिल्मों में मेरा भाई, माजे बाल, गजा बाऊ, बड़ी माँ और जिंदगी का सफर वगैरह शामिल है। उन्हें इब्तदाई दिनों में फिल्म इंडस्ट्री में काफी जद्दोजहद करना पड़ी। उनकी मुहीन आवाज की वजह से इब्तदा में मौसीकारों ने उन्हें काम नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज सबसे बड़ी गुलकारा साबित हो चुकी है। लता मंगेशकर ने फिल्मी गानों के अलावा कुछ नाते और गजलें भी गाई है। उन्होंने गजल गायकी में फन पैदा करने के लिए उर्दू के मुमताज उस्तादों से बाकायदा उर्दू सीखी। वो गजल गायकी में मेहदी हसन की सबसे बड़ी मद्दाह थी। उनके एक जुमले ने जो उन्होंने मेहदी हसन के लिए कहा था कि मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता है, बरे सगीर में बहुत मकबूलियत हासिल की। लता मंगेशकर ने वैसे तो हजारों गीत गाए हैं और उनके मकबूल गीतों की तैदाद भी हजारों में है। हम यहाँ उनके चंद सुपरहिट गीतों का तस्करा करेंगे। 1940 की दहाई में लता जी ने फिल्मों के लिए गाना शुरू किया और कई सुपरहिट गीत गाए। फिल्म हीर रांझा का गीत दो दिल टूटे दो दिल हारे, दुनिया वालों सदके तुम्हारे बहुत मकबूल हुआ। उनकी फिल्म बरसात के नगमे, हवा में उल्टा जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, जिया बेकरार है छाई बहार है और मेरी आंखों में बस गाया कोई, ने मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए। फिल्म बड़ी बहन का गीत चुप चुप कड़े हो जरूर कोई बात है, फिल्म दुलारी का गाना ए दिल तुझे कसम है तू हिम्मत न हारना, फिल्म महल का ये गीत आएगा आएगा आने वाला। जब मधुबाला पर फिल्म आएगी तो हर तरफ उसके चर्चे होने लगे। 1950 की दहाई में फिल्म निराला का मशहूर गाना महफिल में चल जल उठी शमा फरवाने के लिए, फिल्म समाधि का गीत गोरे गोरे और बांके छोरे, सरगम का कोई किसी का दीवाना ना बने, अलबेला का गीत बूली सूरत दिल के कोटे, फिल्म मुल्हार का मशहूर गीत बड़े अरमानों से रखा है सनम तेरी कसम, आवारा का गीत घर आया मेरा परदेसी, फिल्म दीदा का नगमा बचपन के दिन बुला ना देना, फिल्म बीजू बावरा के गाने तू गंगा
की मौज और बचपन की मोहब्बत को दिल से नजुदा करना। फिल्म नागिन का ये गीत मेरा दिल ये पुकारे आजा और श्री 420 का गाना प्यार हुआ इकरार हुआ बेहद पसंद किए गए। फिल्म चोरी चोरी का मशहूर गाना आजा सनम मधुर चांदिनी में हम जहां मैं जाती हूँ वही चले आते हो और फिल्म शीरीन फरहाद का गाना गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा हाफिज होदा तुम्हारा और फिल्म गूंज उठी शहनाई का गीत दिल का खिलौना हाय टूट गया बेहद मकबूल हुआ। 1960 की दहाई में सबसे ज्यादा मकबूलियत हासिल करने वाले फिल्म मुगले आजम का गाना जब प्यार किया तो डरना किया ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। कहा जाता है कि इस गाने को सुनकर भारत में कई लड़कियां घरों से भाग गई थी। इस फिल्म के दूसरे गाने मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए को भी पसंद किया गया। 60 की दहाई में उनकी दीगर मकबूल गानों में फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई का गाना अजीब दास्ता है ये गंगा जमुना का दो हंसों का जोड़ा बेचड़ गए और फिल्म अनपढ़ का आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे 20 साल बाद का गाना कहीं दीप जले कहीं दिल। फिल्म पारस मुनि का हंसता हुआ नूरानी चेहरा गाइड का गीत आज फिर जीने की तमन्ना है। हसीना मान जाएगी का गाना बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम मेरे हमदम मेरे दोस्त का गाना चलो सजना जहाँ तक गठा चले आंखे का गाना गैरों पे करम अपनों पे सितम। फिल्म सरस्वती चंद्र का गीत छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। फिल्म दो रास्ते का बिंदिया चमकेगी और तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई को फिल्म बीनों ने सराहा। 1970 की दहाई में भी लता जी ने अनगिनत मशहूर गीत गाए इनमें कटी पतंग का गीत न कोई उमंग है पाकीजा के ये चार गीत चलते चलते यूं ही इन्हीं लोगों ने ले लिया मौसम है आशिकाना और चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो बेहद मकबूल हुए। फिल्म शोर का गीत एक प्यार का नगमा है। फिल्म अनामिका का बाहों में चले आओ हम सनम क्या पर्दा। फिल्म रोडी कपड़ों और मकान का गीत हाय हाय ये मजबूरी। कभी कभी फिल्म का मशहूर जमाना गीत कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। लैला मजनून का हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। मुकद्दर का सिकंदर का नगमा दिल तो है दिल सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो और फिल्म सरगम का डफली वाले डफली बचा को बहुत पसंद किया गया। 80 की दहाई में फिल्म क्रांति का मकबूल गीत जिंदगी की न टूटे लड़ी को कौन फरामोश कर सकता है। इसके अलावा फिल्म नसीब का गाना मेरे नसीब में तू है के नहीं। फिल्म कुदरत का तूने ए रंगीले कैसा जादू किया। फिल्म एक दूजे के लिए का मशहूर गीत 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। नई सदी के आगाज में लता मंगेशकर ने गाना कम कर दिया था। फिल्म मोहब्बत का सुपरहिट गीत हमको हमी से चुरा लो और फिल्म कभी खुशी कभी गम के गीत उनकी आवाज में मकबूल हुए। 2015 तक चंद एक गाने गाती रही।